खबर डोंगर गांव से है, जहां पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार भारी बारिश से शिवनाथ नदी उफान पर है, जिससे डोंगर गांव थाना क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में है। ग्राम मेड़ा में भी बाढ़ की गंभीर स्थिति की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भरत बरेट, तहसीलदार एवं SDRF की टीम के साथ बाढ़ में फंसे संतोष चक्रधारी और उनके परिवार के 5 लोगों को लगातार 4 घंटे प्रयास कर सुरक्षित स्थान पर ले आए हैं। इसके साथ ही अन्य कई गांवों में बाढ़ के कारण आवागमन बाधित हो गई है। वहीं डोंगर गांव छुरिया मार्ग में रेंका कठेरा नदी पूरे उफान पर है। बाढ़ का पानी सड़क पर आने से खतरे की अंदेशा से आवागमन को रोक दिया गया है। 36 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है, साथ ही प्रशासन ने खतरे को देखते हुए नदी नाले वाले इलाकों में न जाने की अपील की है। डोंगर गांव से टुम्मन साहू की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। वैसे तो डोंगर गांव विधायक अपने कारनामे की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वह अपने आप को राष्ट्रीय आन बान और शान की प्रतीक तिरंगा झंडे से भी ऊपर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील पर डोंगर गांव के क्षेत्रीय विधायक द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां छातों पर बनी तिरंगा में अशोक चक्र के नीचे विधायक का नाम दर्शाया गया है। इससे साफ समझा जा सकता है कि विधायक महोदय ने तिरंगे की शान को पर रखकर उसे प्रचार प्रसार का माध्यम बना लिया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रीय आन बान और शान का प्रतीक तिरंगे झंडे का अपमान बदस्तूर जारी है, जो कि घोर आपत्तिजनक एवं निनंदीय के साथ साथ कानून का खुला उल्लंघन है। डोंगर गांव से टुम्मन साहू की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।